यार नमाज का टाइम होने वाला है, जल्दी से वुजू कर लें फिर चलते नमाज के लिए। आज कोई ना टाइम की नमाज पढ़े ना पढ़े, ईशा की नमाज जरूर पढ़नी है। आज का दिन बहुत खास दिन है भाई, तो जिस जिसको वो नमाज पढ़ लो, हो सकता है गुनाह माफ हो जाए, समझ लो बात को, मेरी तरह समझदार होगे तो आज की नमाज मिस नहीं करोगे। हालांकि पीछे से मेरे अब्बा बोल के गए कि नमाज के लिए पहुंचो मस्जिद में जा रहा हूँ, समझ लो बात को। वैसे तो दिल मेरा साफ है, नेक नियत है मेरी कि इंशाल्लाह गुनाह माफ करवा के आऊंगा आज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज तमाम गुनाह माफ है। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए हमेशा, भले बंदे के जितने भी गुनाह हो लेकिन उम्मीद अच्छी की रखो। निकलते हैं वरना नमाज निकल जाएगी। अरे लगता है लेट होगा, लेट होगा दादा, लेट होगा, लेट होगा, भागो 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 भागो। भाई यहाँ तो जमात निकल गए, अब दूसरी जगह चलते हैं, मतलब दूसरी मस्जिद में, वहाँ पे उम्मीद है कि मिल जाएगी, जल्दी जल्दी करते हैं वरना ये ना हो वहाँ की भी निकल जाए जमात खड़ी, तो यहाँ पे भी होगा भाई। अब अल्लाह खैर करे एक दो रकात हो गई तो सेट है, वरना फिर मसला, कहीं और चलेंगे वरना अल्लाह करे सिर्फ एक दो ही रकात हुई हूँ। हो गई क्या नमाज? अबे यार दो जगह से भागा मैं जमात के चक्कर में, क्या करूँ? कितने बजे? 8 बजे, 5 मिनट। चलो जा रहा हूँ। फिर से सीन, आज जमात अल्लाह करे मिल जाए वरना बस, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, जमात ही नहीं मिल रही मुझे। 5 मिनट अभी अक्सा मस्जिद में भाई, आगे जमात खड़ी होने में, भागो भागो भागो। एक समझ तो पहुंच गया, हो सकता है यहाँ नमाज मिल जाए जल्दी से। मस्जिद अक्सा लिखा हुआ है। टोपी पहन लो भाई, टोपी। नमाज पढ़ ली है, अब थोड़े बहुत काम है वो निपटा लेते हैं फिर चलेंगे घर को। यार जमात के साथ नमाज मिल गई इस बात की खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरे पे नूर देख रहे हो भाई, ये कैसा आ रहा है? नमाज एक टाइम की पढ़ी तो इतना चेहरे पे नूर आ गया, अब 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा जमात के साथ तो क्या हाल होगा मेरा, मतलब पूरे तो मतलब मुझे फायदा हो जाएंगे ना, कहेंगे ये कौन आ गया बंदा, पहले क्यों नहीं मिला मैं। बहुत ठंडी मार ली, अब थोड़े काम वाम कर लें फिर बात करते हैं। क्या लें? 1.5 किलो दही भी, इसमें दही गिरा गया। 1.5 किलो नमाज पढ़ ली, शाही की नमाज, ईशा की नमाज, और कौन सी इतनी सारी चली है। दही क्या चल रहा है भाई? चलना दही क्या चल रहा है?
230 40 40। देखो मेहमान भाई क्या हाल है? मेहमान भाई नमाज पढ़ ली? आपने पढ़ी नमाज? वही जब भी पढ़ के आ रहा हूँ, जब भी आज सबसे पूछ रहा हूँ नमाज पढ़ी। ये भी सही है। जब पढ़ ली जब सबसे पूछ रहा हूँ। कर ले ना, फिर उसके बाद वो हर चीज़ वो सबसे कर पूछता है, अमल करता है, मतलब ना। अबे कितना होगा? ये आपके होगा 110। हाय 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 हाय। मतलब अम्मा और मैंने फुल मेहनत की रात भर। हाय 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 हाय। वाली बिरयानी बनाई हमने। बाहर ऑर्डर देने गया था यार, लेकिन वो ऑर्डर फुल हो गए थे तो ले नहीं रहते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम घर में ही बना लेंगे। तो रात भर मैं और अम्मा ने मेहनत की। हाय हाय हाय, क्या धुआं उठ रहा है। गरम गरम हाय। यार बिरयानी के कलर से तो लग रहा है बिरयानी बहुत मज़े की बनी है, और जो खुशबू आ रही थी, आ हा हा हा, क्या खुशबू थी। मैं कह रहा हूँ मतलब लग रहा है बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। तो अब चलते हैं और मिठाई ले लेते हैं साथ साथ में, उसके बाद आगे का सीन दिखाता हूँ कि क्या है। तो आ जाओ भाई। ब्राउन वाली गुलाब जामुन क्या किलो है? 520 रुपये किलो। तो 2000 रुपये ही कर दीजिएगा, और थैली में होंगे, हर थैली में 2-2 गुलाब। भले अगर ऑर्डर पे मिठाई बनवाएं तो कितने किलो तक बन सकती है? 3 किलो आप बनवाएं, मतलब अगर शादी वगैरह की बनवानी हो किसी को। हाँ बना देंगे। तो कितने दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा? बड़ा ऑर्डर होगा तो 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। और कोई सी भी मिठाई बनवा सकते हैं? अच्छा ज़्यादातर कौन सी मिठाई पर ज़्यादा मेहनत लगेगी? मेहनत मलाई खाते ये चमचे वाली है जो ये। अच्छा लोग कौन सी मिठाई ज़्यादा खरीदते हैं? ज़्यादा लोग अपनी अपनी पसंद से खरीदते हैं, जो उनको पसंद होती है ज़्यादा खरीदते हैं। नहीं एक कोई मिठाई हो जैसे आपकी नज़र में कि लोग बहुत खरीदते हैं ये मिठाई। गुलाब जामुन मतलब तकरीबन 60-70% लोग गुलाब जामुन। अच्छा गुलाब जामुन में काले या ब्राउन वो कौन से? ज़्यादा ब्राउन चलते हैं। ब्राउन चलते हैं। कालों में बीज होता है मेरे ख्याल से ना, बादाम डालते हैं अलग से। अच्छा बादाम अलग से डालते हैं उसके अलग होती है। अच्छा सही से देसी घी वाला बनाते हैं। सही से तो दोनों में डलता है ब्राउन और काला, दोनों में डलता है बादाम। यार मिठाइयाँ पैक करवा ली हैं और मिठाइयों का काम फिक्स हो गया है। 2 थैलियाँ बनी अपनी, सही है। बाट देंगे आराम से, अब लेते हैं घर से बिरयानी उठाते हैं, फिर बांटने का सीन ऑन करते हैं। तो आ जाओ यार। बीच में नमाज का ब्रेक ले लिया था, उसके बाद बांटने का सीन किया। अब आया अम्मा की रिपोर्ट लेने। अम्मा की रिपोर्ट कराई थी विटामिन डी की, तो उम्मीद है इंशाल्लाह सही आई होगी। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है रिपोर्ट का। तो भाई रिपोर्ट मिल गई है, रिपोर्ट देख लेते हैं, अल्लाह करे सही आई हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पढ़ के खोलते हैं। कांगे रिजल्ट लीरा 17.5, 30 से 40 नॉर्मल रेंज, कम है लेकिन इतना कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लाला अंजीर क्या पाव दी है? अंजीर भाई यार ये 500 रुपये पाव है, चंदारिया अंजीर है। ये वाला जो है ना ये 400, ये 350 है। फ़र्क क्या इनमें 350-400 में? ये थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है, बस यही फ़र्क है, यही फर्क। और ये कंदारी का क्या बता रहे थे? कंदारी का ये बड़ा अंजीर होता है, इसमें दाना ज़्यादा होता है कंदार। अच्छा साफ तोरी लाला, नरम नहीं है क्या अपने पास? कौन सा नरम वाला भी है, थैली में रखा हुआ है। दिखाओ ना वो, दिखा वो क्या है, वो क्या पाव है? वो 400 रुपये पाव है। 400 रुपये पाव है, दिखाना कौन सा है नरम वाला। तो नरम वाला अच्छा होता है सख्त वाला? नरम अच्छा होता है इंजीर, सख्त अच्छा होता है?
मीठा ज्यादा होता है, दाना उसमें ज्यादा होता है। अच्छा, और नरम वाला दिखाओ फिर। यार इंजीर लेनी थी नाना के लिए, तो लाला इंजीर लेनी है नाना के लिए, ज़ईफ है तो नाना के लिए लेनी इंजीर, वो है ज़ईफ तो नरम ही सही रहेगी उनके लिए। नरम फिर नरम ले जाओ, फिर नरम दिखाओ लाला, ज़्यादा छोटी नहीं रहोगी, छोटी हो जाएगी ज़्यादा। नहीं ये पेड़ का पका हुआ है ना। अच्छा ये सच्ची नहीं है, दिखाओ मुझे, दिखाओ निकाल के। ये तुम का उसको जो है ना, ये देखो ये नरम होता है, ये जो है ना सख्त होता है, ये पेड़ का पका हुआ, इसमें दाना ज्यादा होता है, इसमें दाना कम होता है। फाइनल लगाओ उसके, कितने लाओगे, कितना चाहिए? देसी मुर्गा है चाचा, 5,000 का भाई, मुर्गों की बार्गेनिंग चल रही है, समझ रहे हो बात को? क्या है, क्या कीमत है? 4,000 ये तो बात है भाई, आपकी कीमत की लाला क्या मांग रहे हो? मैं आया था इंजीर लेने, साथ में दिल में मुर्गों की बार्गेनिंग चल रही भाई, मैंने कहा देखते क्या सुन रहे, 4,000 5,000। मैं तो वैसे ही शौक नहीं, मैं तो वैसे ही तफरी में रुक गया था, लेने किसको है। तो भाई अभी आया हूँ नाना के देने, वो जो इंजीर ली थी और नाना का हिस्सा था वो देना है, अब अम्मा गई हुई अंदर देने, अम्मा आ जाए तो फिर चलते हैं कब्रिस्तान, क्योंकि रात में मैं गया नहीं था, जाना हुआ ही नहीं कब्रिस्तान, तो मैंने कहा वहाँ लतीफाबाद की साइड, तो 7 नंबर वाले कब्रिस्तान में दादा हैं, तो वहाँ चल के फातिहा वातिया पढ़ के फिर घर को निकल जाएंगे बस। तो यार कब्र पे फातिहा वगैरह सब पढ़ लिए और थोड़ा काम भी कर दिया कब्र का, मतलब पानी का छिड़काव वगैरह कर दिया, क्योंकि गर्मी में यार ईंटें ऐसी सिक जाती हैं, गरम गरम भाप ही निकलती है उसमें, तो छिड़काव करना ज़रूरी होता है। अब वो मिल नहीं रहा था जो डालने वाला होता है, मैंने कहा चलो यार खुद ही जाके डाल जाता हूँ, वहाँ गया पानी भर के लेके आया डाल दिया। तो अब आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं,
अगर पसंद आओ तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।